न्यूज एट सिक्स में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कांग्रेस नेता के दबंग का क्या वीडियो सामने आ रहा है। यहाँ एयरपोर्ट रोड पर पुलिस ने जब पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष को रोका तो पुलिस पर भड़क गए और फिर जमकर पुलिस को खरी खोटी सुनाई। देखिए मोबाइल पे भी आप आड़ी तेड़ी बात कर रहा हूँ, इसको इसको बात कर रहा हूँ और धमकी दिलवा रहा हूँ या वसूली करके आप ले आओ, जिसने बोला वसूली की ना ये मैं सब कर दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ लगाओ, आप खाने को लगाओ, करवा देंगे जो करवाना। अरे इतना जोश मत दिखाओ और अनशन मत बोलो, जोश कम दिखाओ, जोश हम में भी है। मोबाइल पे भी हम तरीका नहीं बोले। हाँ आरी पटेल जी को अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी भतीजी हूँ मैं, तो हम भी उनके उनके घर के हैं। आरी भर के अभी बताओ, आप मुझे और उसे कराओ, मैं देखती हूँ क्या करेंगे। आप आरी पटेल की भतीजी हो तो आप जो है मतलब कुछ भी करोगी, कुछ भी बोलोगी। आप हमको धमकी दे रही हो, आप आरिफ अकील जी की भतीजी हैं तो धमकी दोगी आप? आप हमें धमकी दोगी? नहीं, आप हमको धमकी दोगी आरिफ अकील जी की? आप धमकी दोगे? आप नहीं नहीं आप 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 मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। नहीं तो आप आरिफ अकील जी की यहाँ वसूली करवाओगी? आप आरिफ अकील जी के नाम से वसूली करवाओगी? आप आरिफ अकील जी के नाम से अवैध वसूली करवाओगी यहाँ पे? एमपी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सिपाहियों को कांग्रेस नेता को रोकना भारी पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस नेता ने चालान होने के बाद न सिर्फ पुलिस कर्मियों को धमकाया बल्कि अपनी पहुंच और पावर के दम पर सस्पेंड कराने की चेतावनी दी, जिसका वीडियो इन दिनों जमकर चर्चा में है और सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। अरे आरिफ वकील के नाम से यहाँ क्या वसूली करवाओगे इनके साथ? नहीं वसूली कराओगे आप? चलो मतलब चालान होता है वैसे दर्द होता है, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, ऐसी दर्द होता है, बात तो सही है। जब चालान होता है तो ऐसी दर्द होता है, बात तो सही है। ऐसे बोलते हैं फिर? नहीं नहीं आपको तमीज है बात करने की? आपको तमीज है सस्पेंड कराने की बात? नहीं नहीं आपको तमीज है? कौन सा पद है आपका? आपको तमीज है बात करने की? तमीज है बात करने की? किसी बात कर रहे हो आप? आप कैसी बात कर रहे हो? लीगल है चालान बना है, क्यों सस्पेंड कराओगे? कांग्रेस नेता जहां अपनी अकड़ में फूल रहे थे, वहीं सब इंस्पेक्टर ने भी अपनी पहुंच दिखाने में कोई कोताही नहीं की। सब इंस्पेक्टर उज्जमा खान ने भी कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील की भतीजी होने का दावा कर दिया। कुछ भी करते हो आप लोग, कुछ भी करोगे तो क्या? नहीं नहीं कुछ भी है तो अरे तुरे से बोला मैंने, आप करके बात करी मैंने, सस्पेंड कराऊंगा मैं, या आप बोले हो जवाब दूंगी मैं। मोबाइल पे भी अनशन बोल रहे बहन जी, मोबाइल पे भी अनशन बोल रहे तरीका नहीं बोले। हाँ आरिफ अकील जी को अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी भतीजी हूँ मैं, तो हम भी उनके उनके घर के हैं। आरिफ अकील जी अभी बताओ, सस्पेंड कराओ आप मुझे और उसे कराओ, मैं देखती हूँ। आरिफ अकील जी की आप भतीजी हैं? मैं देखती हूँ कैसे सस्पेंड कराओ। आरिफ अकील जी की मैडम, आरिफ अकील जी की भतीजी हैं मैडम, का क्या बोला तुमने? पुलिस से भिड़ने के बाद कांग्रेस नेता ने मंत्री आरिफ अकील के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल किया, जिसमें वो इंस्पेक्टर की शिकायत करते सुनाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरिफ अकील ने कहा कि वो उज्मा को नहीं जानते। पर मैं इंदौर से पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव बोल रहा हूँ सर। बोलो भैया। सर मेरा निवेदन है कि एक उज्मा खान इंस्पेक्टर है यातायात में, तो आपका नाम लेके जो है धोस दे रही थी मुझे और अवैध वसूली कर रही है और आपकी ध्वज दे रही थी मुझे सुबह। जी जी जी। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और पुलिस के बीच भिड़ंत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार देवेंद्र सिंह चर्चा में रहे हैं। अब देखना है इस मामले में किस तरह की किस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में गाज पुलिस कर्मियों पर ही गिरती है। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।